Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज हम करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट जो कहे सेट्स. तो सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है. सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो देखो यहां जो वेल डिफाइंड है उसका मतलब क्या है. देखो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये जो डेफिनेशन है वो क्या है? रॉन्ग है. सेट जो होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. वेल डिफाइंड का मतलब जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 मूवीज. देखो एक कलेक्शन है जिसके अंदर बेस्ट 5 मूवीज है. तो अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, यहां दो पर्सन है, एक मैं ले लेता हूं कि एक पर्सन है राजेश और एक पर्सन है श्याम. तो मैंने इन दोनों को बोला कि बेस्ट 5 मूवीज की क्या बनाओ? एक कलेक्शन बनाओ. तो देखो अब राजेश जो होगा वो क्या होगा, जो उसको बेस्ट 5 मूवी लगेगी उसकी कलेक्शन बनाएगा. जैसे मैं मान लेता हूं कि राजेश ने क्या किया, ए बी सी और डी और ई, ये 5 मूवी उसने क्या की, लिखी. यहां श्याम ने क्या किया, वो अपनी 5 बेस्ट मूवी की कलेक्शन बनाएगा. मैं मान लेता हूं कि उसने बनाया ए बी सी डी और एफ. ये जरूरी नहीं है कि जो राजेश को मूवीज पसंद होगी वो श्याम को भी होगी. तो देखो यहां इसने क्या किया, ए बी सी डी ई, 4-5 मूवी ये लिखी. इसने लिखा ए बी सी डी एफ, ये 5 मूवी लिखी. तो यहां देखो इसने अलग लिखा और इसने अलग लिखा, तो ये जो कलेक्शन है मैं उसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकता. एक एग्जांपल और देखो, अगर मैं कहता हूं द कलेक्शन ऑफ वोवल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश. देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू. किसी मर्जी पर्सन से पूछ लो, किसी मर्जी पर्सन को अगर मैं बोलूं, कोई मर्जी हो उसको मैं बोलूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश बताओ क्या क्या होंगे, तो वो यही कहेगा कि ए ई आई ओ यू. तो इस कलेक्शन में क्या बोलूंगा, वेल डिफाइंड बोलूंगा. ओके फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और देखते हैं. देखो मैं अगर लिखूं द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे जो क्या हो 10 से लेस हो, तो वो होंगे 2, 3, 5, 7. तो देखो ये जो कलेक्शन है वो क्या आ गई, वेल डिफाइंड हो, क्योंकि किसी मर्जी पर्सन से पूछ लें कि बताओ 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो वो ये लिखेगा 2, 3, 5, 7. इसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता जो 10 से छोटा हो. तो ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन में क्या बोलूंगा, वेल डिफाइंड बोलूंगा. तो मैं कह सकता हूं दिस कलेक्शन इज ए सेट, ये जो कलेक्शन होगी वो क्या होगी, एक सेट होगी. नेक्स्ट पापा बात करते हैं नोटेशन की. सेट को किस चीज से डिनोट करते हैं, देखो
नोटेशन, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर मतलब जैसे कैपिटल ए बी सी एटसेट्रा, किसी मर्जी अल्फाबेट से आप इसको डिनोट कर देंगे, लेकिन इसको क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे, जो सेट के एलिमेंट्स होंगे या जो मेंबर्स होंगे, उन्हीं को ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। तो उनको क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एटसेट्रा। नेक्स्ट आप बात करते हैं बिलोंग और बिलोंग नॉट, दोनों का मीनिंग क्या है। देखो अगर मैं लिखता हूं, लेट कर लेता हूं ए बी द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, यहां कैपिटल ए क्या है, एक सेट है, उसका मैंने एक स्मॉल ए क्या किया, एक एलिमेंट लेट किया। मैंने माना कि जो ये स्मॉल ए है वो इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है। उसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए होगा वो इस सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब देखो बिलोंग लिखने की बजाय यहां एक सिंबल बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ये सिंबल, इसको बोलते हैं एप्साइलन। तो मैं यहां लिखूंगा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो ए होगा एलिमेंट वो इस सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। यहां अगर ये होता है ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट का जो ए स्मॉल ए है वो एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहां लिखता ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट ए, जो स्मॉल ए है वो इस सेट कैपिटल ए को बिलोंग नहीं करता। तो बिलोंग और बिलोंग नॉट लिखने की बजाय आप क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे। अगर वो एलिमेंट है वो अगर सेट को बिलोंग करता है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए, इस हिसाब से ये सिंबल यूज करेंगे। अगर वो उस सेट को बिलोंग नहीं करता तो इस सिंबल का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कुछ एक सेट हैं जिनका जिनकी नोटेशन जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड की गई है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अब देखो जो सेट होगा सभी नेचुरल नंबर का, उसको किससे डिनोट करेंगे अपन, उसको कैपिटल एन से, कैपिटल एन से क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे। अगर मैं यहां लिखूं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर के जो सेट होंगे उसको किससे डिनोट किया है, ये इन्होंने जेड से डिनोट किया है। सिमिलरली अगर क्यू है तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर होंगे उनको किससे डिनोट करेंगे आप, कैपिटल क्यू से। और आर, कैपिटल आर मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, री प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट जो टाइप है वो है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। देखो फर्स्ट बात करते हैं आप रोस्टर फॉर्म की, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं द कलेक्शन ऑफ आल नंबर आल नंबर
लेस देन 10, ऑल यहां नेचुरल नंबर करो, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अगर मैं एक कलेक्शन लूं जिसके अंदर क्या हो, सारे के सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो क्या हो 10 से छोटे हो, तो कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये नंबर आएंगे। अब मेरे को क्या करना है, इस कलेक्शन को किस फॉर्म के अंदर लिखना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो देखो मैं क्या कर लेता हूं, उसको क्या कर लेते हैं, सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो उसको मैं एक सेट मान लेता हूं ए। तो क्या करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स आए उनको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कोमा लगा के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, सिमिलरली 9। तो ये जो सेट बना, ये जो फॉर्म बनी, इस फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। एक सेट सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ आल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा, ये एक वर्ड दिया हुआ है अलजेब्रा, अपने क्या करना है, एक सेट बनाना है जिसके अंदर इस वर्ड के सारे क्या होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए। तो जो सी होगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, उसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनको क्या कर देंगे, अलग अलग कोमा लगा के लिख देंगे। तो देखो क्या आया, ए कोमा एल कोमा जी कोमा ई कोमा बी कोमा आर, फिर क्या आया, ए। तो फ्रेंड्स जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर आ गया। तो देखो ए कोमा एल कोमा जी कोमा ई कोमा बी कोमा आर, और जो ए है वो ऑलरेडी आ गया, तो जो लेटर रिपीट होता है उसको अपन सेट में दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस फॉर्म को क्या बन गया, अपन रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। तो इस लेटर को आपने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या आती है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक एग्जांपल से ये लेते हैं। अगर मैं लेता हूं इफ ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ए ई आई ओ यू। तो इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखो मैं क्या करता हूं, इन सभी एलिमेंट्स को एक नाम दे देता हूं, इनको मैं क्या मान लेता हूं, एक नाम एक्स मान लेता हूं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेट ए कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के हैं, जो एलिमेंट है उनको मैंने सभी एलिमेंट्स को क्या नाम दिए, एक्स। वेयर ये जो सिंबल है उसको सच दैट भी बोल देते हैं और वेयर भी बोल देते हैं। मैंने लिखा जो ए सेट ए है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो ये मैंने लिखा एक्स वेयर एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो मैंने लिखा जो एक्स है वो क्या है, वोवल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो एक्स की जो एक्स होएगा वो क्या होगा, ए ई आई ओ यू। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, अपन सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं।
इस सेट को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म हो गई इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। अपने को जो एलिमेंट्स दिए होंगे वो इस टाइप के दिए होंगे, इसने जैसे यहाँ ए इज द सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, तो मैंने क्या किया इन सभी को एक एलिमेंट एक्स मान लिया, क्या नाम दे दिया इनको, एक्स मान लिया। तो मैंने लिखा सेट ए इज इक्वल टू कंसिस्टिंग क्या, उसके अंदर एक्स एलिमेंट है और जो एक्स है यहाँ वो क्या है, वोवल है इन अल्फा बेट्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं इफ ए इज ए सेट कंसिस्टिंग, ए इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 and 5। तो अगर मैं इसको क्या करूं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू ब्रैक, इन सभी एलिमेंट्स को क्या नाम ले लेते हैं अपन, एक्स लिख लेते हैं, और वेयर ये सिंबल क्या आ गया वेयर का, वेयर एक्स, एक्स क्या है यहाँ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू फाइव। जो एक्स होगा वो क्या होगा, वन से बड़ा और वन के इक्वल होगा, और फाइव से छोटा और फाइव के इक्वल होगा। और मैं यहां लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो एक्स होएगा वो एक नेचुरल नंबर होएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, वन के इक्वल भी है तो वन भी आ जाएगी, टू भी आ जाएगी, थ्री भी आ जाएगी, फोर भी आ जाएगी और फाइव भी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन ये होती है इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर, तो उस सेट को क्या बोल देंगे अपन, फाइनाइट सेट बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं सेट लेता हूँ ए और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 and 5, तो यहाँ देखो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखो मैं इनको काउंट कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, फाइनाइट सेट बोलूंगा। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने एक सेट बी लिया, वो क्या आया 1, 2, 3, 5 up to so on। देखो सो ऑन का मतलब ये आगे तक चलता रहेगा, तो देखो इसके अंदर मैं नहीं बता सकता कि कितने एलिमेंट्स है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ अपने को लास्ट का एलिमेंट नहीं पता, मतलब एंड का नहीं पता कि वो कहाँ जाके खत्म होगा, तो इसके अंदर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस सेट को मैं फाइनाइट नहीं बोल सकता, ये जो सेट होएगा वो फाइनाइट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे, वो सेट जिसके अंदर क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे अभी एग्जांपल लिया था, क्या था, बी सेट था, मैंने लिया था 1, 2, 3 up to so on। तो यहां देखो 1, 2, 3 up to so on, मतलब ये ऐसे चलता रहेगा लगातार, इसका लास्ट का एलिमेंट नहीं पता, अपने को नहीं पता कि ये कहां जाके खत्म होगा, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट सेट बोलूंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है, वो सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर मैं लेता हूं ए सेट ए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे ए, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वन, तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, सिंगलटन सेट बोलूंगा। तो डेफिनेशन समझ में आई, सिंगलटन सेट क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो उस सेट को आप क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट बोल देंगे।
नेक्स्ट इसके साथ और डेफिनेशन देखते हैं, एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या इसको अपन नल सेट भी बोल देते हैं। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब वहां एक भी एलिमेंट नहीं है, वो एकदम खाली है, तो उस सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, जो इसको डिनोट करते हैं वो एक फाइ से डिनोट करते हैं या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। देखो एम्प्टी सेट को किस चीज से डिनोट करेंगे, या तो फाइ से डिनोट करेंगे या इस टर्म से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, दो सेट को इक्वल कब बोलते हैं? देखो लेट, जैसे टू सेट है मेरे पास, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ए और बी को इक्वल कब बोलूंगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देखो ए और बी सेट को मैं इक्वल कब बोलूंगा? ए इक्वल टू बी कब होगा? ए इक्वल टू बी, ये दो सेट है, एक ए है और एक बी है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? ये इक्वल उस केस में ही हो सकते हैं जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो और बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो? ए सेट ए के अंदर हो। तो उस केस में कह सकता हूं कि जो सेट ए होगा और जो बी होगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे एक एग्जांपल में देखो, कैसे इक्वल सेट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेट ए लिया मैंने, क्या था? 1, 2, 3, 5, 7। और एक सेट मैंने बी लिया 1, 2, 3, 5, 7। और यहां से मैं दोबारा से देख लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया 2, 3, ये मैंने सेट लिया। तो देखते हैं ए और बी इक्वल है या नहीं। देखो मैंने सपोज किया है, एक सेट ए माना है और एक सेट बी माना है। तो देखो क्या जो एलिमेंट वन है वो ए को बिलोंग करता है, मतलब जो वन है वो ए का एलिमेंट है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि जो वन है वो ए को बिलोंग करता है। तो वन ए को बिलोंग करता है क्या? वन बी को बिलोंग करता है, वन वन बी के अंदर भी है, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फाइव फाइव भी है, सेवन सेवन भी है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। अब देखते हैं क्या बी के ए को बिलोंग करते हैं। वन वन ए को बिलोंग करता है, टू टू ए को बिलोंग करता है, थ्री थ्री ए को बिलोंग करता है, फाइव फाइव ए को बिलोंग करता है, सेवन सेवन ए को बिलोंग करता है। देखो टू टू भी करता है, थ्री थ्री भी करता है। यहाँ देखो टू और थ्री दो बार आ गए, लेकिन ये इसको बिलोंग तो करते हैं, मतलब बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं? ए के अंदर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं एक डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, सॉरी ये क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब है ऑर्डर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखो किसी भी सेट, फाइनाइट सेट का ही ऑर्डर होगा, इनफाइनाइट सेट होगा उसके अंदर ऑर्डर मैं बता ही नहीं सकता उसको। कैसे ऑर्डर का मतलब देखो, कैसे जैसे मैंने एक सेट लिया ए 2, 4, 6, 8 and 10, तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो ऑर्डर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? ऑर्डर होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज
कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए सेट। तो देखो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5, तो इस सेट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। और उसको किस चीज से डिनोट करेंगे, उसको जो डिनोट करेंगे अपन एन ए इज इक्वल टू, किससे डिनोट करेंगे, 5। तो उसको ये जो है वो उसकी क्या है, नोटेशन है। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5। तो जो ए होगा सेट, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट, दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मतलब दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे एक सेट ए है, मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और एक सेट बी है, उसके अंदर मैं ले लेता हूँ 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो क्या ए और बी इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट के लिए दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर अभी मैंने बताया था, ऑर्डर क्या होता है, किसी भी सेट का ऑर्डर क्या होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 है, तो ए जो सेट ए है उसका ऑर्डर क्या आ गया, 5 आ गया। बी सेट के अंदर देखते हैं कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो सेट बी का जो ऑर्डर है वो भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो मैंने यहाँ देखा जो ए का ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, बी के ऑर्डर के। तो अगर दो सेट का ऑर्डर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ जो ए और बी होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो उन दो सेट को मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट बोलूंगा। और उनको लिखते कैसे हैं, उनको ऐसे लिखे हैं A is equivalent to B। ये उनको डिनोट इस चीज से करते हैं, A और B अगर इक्विवेलेंट होगा उसको कैसे लिखेंगे, A is equivalent, ये जो सिंबल है वो किसका है, इक्विवेलेंट का। तो A is equivalent to B। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।